नमस्कार मित्रों, टीचर सेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एसएससी जीटी कांस्टेबल 2018-19 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में विषय चर्चा करेंगे। दोस्तों, आंसर किया आ चुका है और उसके बाद जो है पीएसटी और पीईटी के लिए जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा तथा फाइनली कट ऑफ क्या होगा उसके विषय चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चैनल बनाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ जानने के पहले थोड़ा वैकेंसी के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसी कितनी थी, तो 58,373 जो सीट थी अर्थात 58,373 सीटें थी। और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, तो 52,20,335 जो है वैकेंसी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन कितने थे, 30,41,284 लोग स्टूडेंट जो थे वो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। ओवरऑल परसेंटेज अटेंडेंस कितना था, तो 58.26% था जो उपस्थित हुए थे। नंबर ऑफ शिफ्ट 54 शिफ्ट में, तीन शिफ्ट में पर डे परीक्षा होती थी। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन विनर्स 297 था। नंबर ऑफ सीटीज ऑफ एग्जामिनेशन 125 था, यह अर्थात 125 शहरों में परीक्षा हुई थी। नंबर ऑफ स्टेट यूटीएस वेयर एग्जामिनेशन कंसल्ट, तो 31 जो स्टेट में था वहाँ कंसल्ट हुआ था परीक्षा। टेंटेटिव डेट डिक्लेयर रिजल्ट जो था वो है 31 मई को जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आइए देखते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 35 मेल के लिए और 33 फीमेल के लिए अनिवार्य था। इतना पाना अनिवार्य है तभी आप पास कहे जाएंगे। दोस्तों, मेरा कहना है कि 35 के एबव और 33 के एबव जो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं वो अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसका कितना नंबर बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा। और हो सकता है 35 जो पाए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़ जाए, वो 55 तक पहुंच जाए और फिजिकल उनको मिल सकता है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो 35 पासिंग मार्क अपन ग्रहण कर लिए हैं तो अपनी फिजिकल तैयारी कर लें। और वैसे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या होगी पीएसटी की, नॉर्मलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं। वैसे फिजिकल सभी तैयारी सभी शुरू कर दें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो जनरल की जो कट ऑफ होगी मेल की जो होगी 55 है, फीमेल की 50 है। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो होगी वो मेल के लिए 50 है और फीमेल के लिए 48 है। एससी के लिए 45 है मेल के लिए और ये फीमेल के लिए 43 है। और एसटी के लिए 38 है मेल की और फीमेल की 35 है। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या होगी। पीएसटी के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो कट ऑफ बनेगी फाइनली कट ऑफ बनेगी जिस पे आपकी नियुक्ति होगी उसका कट ऑफ स्टेट वाइज देखेंगे हम। अंडमान निकोबार का क्या होगा कट ऑफ जो है जनरल का 36, ओबीसी का 33 या सीएसटी के लिए वहाँ कोई वो नहीं है तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना इसी में जनरल और ओबीसी में आएंगे। और आंध्र प्रदेश में क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो 49 जनरल की होगी, ओबीसी की 51 और एससी की 35, एसटी की जो होगी 44 है। अरुणाचल प्रदेश की देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की जो कट ऑफ होगी वो जनरल की 35 होगी, ओबीसी की 37, एससी की जो होगी 34 होगी और एसटी की 33 होगी। असम की 44, 43 ओबीसी की, एससी की 42 और एसटी की 42। बिहार की क्या होगी 73 जनरल की होगी और ओबीसी की 71, एससी की 61 और एसटी की 70 होगी। चंडीगढ़ में 54 होगी जनरल की और ओबीसी की 49 और एससी की 43 होगी। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की कट ऑफ क्या होगी जनरल की 52, ओबीसी की 57 और एससी की
42 और ये एसटी की 51 होगी, दादरा नगर हवेली की 35 होगी और ये जनरल की और ये एसटी की 35 होगी। दमन दीव की क्या होगी 37, जनरल की ओबीसी की 37 होगी। दिल्ली की क्या होगी, दिल्ली कट ऑफ के विषय चर्चा करेंगे। दिल्ली के कट ऑफ जो होगी वो 68 जनरल की होगी, 66 ओबीसी की, 63 एससी की और 58 एसटी की। गोवा की 35 होगी जनरल की, 34 ओबीसी की होगी। गुजरात की क्या होगी, गुजरात में 46 जो होगी जनरल की, 43 जो होगी वो ओबीसी की होगी, 40 जो होगी वो एससी की और 42 एसटी की। हरियाणा की 75, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है हरियाणा की हमेशा, तो 75 जनरल की होगी, 75 ओबीसी की भी होगी और एससी की जो होगी 70 होगी। हिमाचल प्रदेश का 66 होगा जनरल का, 61 होगा ओबीसी का, 63 एससी का और 63 एसटी का भी होगा। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जनरल की 45 होगा, ओबीसी का जो है 36 होगा, एससी का 44 होगा और एसटी का 37 होगा। झारखंड का 64 होगा जनरल का, ओबीसी का 61 और एससी का 42, एसटी का 56। कर्नाटक का देखेंगे, कर्नाटक का 42 होगा जनरल का, ओबीसी का 42 होगा, एससी का 36, एसटी का 42। केरला का 35 होगा जनरल का, ओबीसी का 33 और एससी का जो होगा 34 और एसटी का 33 होगा। लक्षद्वीप का क्या होगा, 62 होगा जनरल का। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कट ऑफ देखेंगे, 68 होगा जनरल का, 69 होगा जो है ओबीसी का, 59 एससी का, 57 होगा एसटी का। महाराष्ट्र का 56 जो होगा जनरल का, ओबीसी का 55, एससी का 50 और एसटी का 49। मणिपुर की 43 होगी जनरल की, 39 होगा ओबीसी का, 39 होगा एससी का, 36 होगा एसटी का। मेघालय का जो होगा, मेघालय का 35 जनरल का होगा, 33 ओबीसी का, 33 एससी का, 33 एसटी का होगा। अब बात आती है मिजोरम की। मिजोरम की जो कट ऑफ होगी वो 35 जनरल की होगी, 33 जो होगी एससी की होगी, ओबीसी की सॉरी, और 33 एससी की, 33 एसटी की। नागालैंड की जो होगी, नागालैंड का 44 जो है वो जनरल की कट ऑफ होगी, 33 ओबीसी की, 33 एससी की, 33 एसटी की। ओडिशा की जो कट ऑफ होगी 46 हो जो होगा जनरल की होगी, 46 ओबीसी की होगी, 36 जो होगी एससी की और 44 वो एसटी की होगी। पांडिचेरी का 35 जनरल के लिए, 33 ओबीसी के लिए, 33 जो है एससी के लिए। पंजाब का 55 जो होगा जनरल का, 51 जो होगा वो ओबीसी के लिए, 50 जो होगा एससी के लिए। राजस्थान के देखेंगे, राजस्थान 78 जो होगा जनरल का, 82 जो होगा ओबीसी के लिए। ओबीसी की थोड़ा ज़्यादा जाती है राजस्थान में, 71 जो होगा एससी के लिए, 73 एसटी के लिए। अब देखेंगे हम सिक्किम के विषय पर चर्चा करेंगे। सिक्किम का जो कट ऑफ होगा वो 35 जो होगा जनरल का, 33 ओबीसी का और 33 एसटी का होगा। तमिलनाडु का 35 जनरल, 37 ये ओबीसी, 35 एससी, 35 एसटी। तेलंगाना का क्या होगा, तेलंगाना का 46 जनरल, 44 ओबीसी, 36 एससी और 47 जो होगा वो एसटी की होगी। त्रिपुरा के लिए 42 जनरल, 45 ओबीसी, 40 जो होगा एससी और 33 एसटी होगा। उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का थोड़ा मेरिट भी जाता है तो 73 होगी जनरल की कट ऑफ और 70 जो होगी ओबीसी की कट ऑफ। एससी के लिए 68 जो कैंडिडेट हैं क्वेश्चन हैं और वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे और 65 जो होगा वो 65 एसटी कैंडिडेट के लिए। उत्तर प्रदेश की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है बैठने वालों की तो इसकी मेरिट थोड़ा ऊपर जाती है। अब बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कट ऑफ क्या होगी, 70 जो होगा जनरल का, 65 ओबीसी का, 62 जो होगा एससी कैंडिडेट और 68 जो होगा एसटी के लिए। वेस्ट बंगाल में 53 जो हैं जनरल के कैंडिडेट वो सेफ हैं, 47 जो हैं ओबीसी के वो भी सेफ हैं, 49 जो होगा वो एससी का कट ऑफ होगा और 47 जो होगा वो एसटी का। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके।
दोस्तों इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी या एसएससी एसएससी के अन्य एग्ज़ाम और आल वन डे एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो रहेंगे और जितनी भी जानकारियां होगी आपको उपलब्ध होती रहेंगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलें। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।